खबर कसूत के सारे दर्शक ने मेरी राम राम। खबर कसूत में एक बार फिर कसूत खबर लेके थारी खातर में फिर हाजिर हूँ। आज खबर कसूत की शुरुआत करांगे ये कसूत खबर सिरसा से। तो सिरसा से के है वा कसूत खबर, आओ सुनो। अगले साल देश में लोकसभा चुनाव हुआ और मिशन 2023 की तैयारी करने खातर बीजेपी हरियाणा में आज तक चुनावी बिगुल फूकने लग रही है। सिरसा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रैली ने संबोधित करेंगे। प्रोग्राम उनका करीब 4 बजे का है, लेकिन शाह की रैली से पहले पुलिस ने प्रदर्शनकारी नेता हिरासत में लेना शुरू कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी के लोकसभा प्रभारी कुलदीप गदरनार सचिव वीरेंद्र कुमार एडवोकेट को पुलिस ने घर ने नजरबंद कर दिया। पुलिस रात ने उनका घर न जाली थी, वो रात के नजरबंद कर रखे। इस बात ने लेकिन हरियाणा के आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार गुप्ता ने एक वीडियो जारी करके ने इस कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा करी। सुशील गुप्ता ने कहा कि मनोहर लाल ने डर से कदे आम आदमी पार्टी के नेता अमित शाह तक कोई सवाल ना पूछ लेने जा तो वो नजरबंद कर दिए। मैं डीजीपी तो एक बात पूछना चाहूँ कि मैंने नू बता दो, तुमने किस अधिकार के तहत वह नजरबंद करे, कौन सा कानून था तुमने वह कुकर नजरबंद कर। और मैं ओम प्रकाश धनखड़ से भी एक बात पूछना चाहूँ कि हरियाणा में वो नू कहते कि आम आदमी पार्टी का तो अस्तित्व है कोई नहीं, जब नहीं है मारा अस्तित्व है तो फिर इतने डरे क्यों हैं ये बीजेपी वाले मारते। सिरसा में पूछ के अमित शाह पहली तो ऐतिहासिक गुरुद्वारा चिल्ला साहिब के प्रमुख सेवादार बाबा अजीत सिंह के देहांत के ऊपर शोक प्रकट करने जाएंगे। सिरसा की सिख संगत में गुरुद्वारा चिल्ला साहिब का विशेष प्रभाव है। आड़ पूछ के न फिर पाछवे रैली स्थल पर लोगों ने संबोधित करने जाएंगे। रैली ने लेकिन सिरसा के कई गांवों में विरोध भी होने लग रहा है। कई गांवों के आदमी कई गांवों के सरपंच रैली का विरोध करने लग रहे हैं और विरोध ने देखी न पुलिस प्रशासन कती अलर्ट से कई दिन तक तैयारी करने लग रहा है भी रैली में किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो जा तो न अपनी तरफ से पहले कसूती तैयारी कर रखी है। शहर का कूड़ा कूड़ा पर पुलिस खड़ी कर रखी है। इस बात का पुलिस वाले कसूता ध्यान रख रहे हैं, कोई काली चीज लेके न रैली स्थल पर ना पहुंच जाए। रैली स्थल पर 7 तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट ला रखे हैं। रैली तक पहले पुलिस प्रशासन ने 130 प्रदर्शनकारियों द्वारा नोटिस भेज दिए थे। पुलिस ने शक था कि ये कानून व्यवस्था बिगाड़ सके जा तो उन्होंने पहले नोटिस भेज दिए। पुलिस ने यह कार्रवाई करी है एसडीएम कोर्ट के माध्यम से। आई वो प्रदर्शनकारी थे वो जमानत कराने नाइट के, बोले भाई हमारे ठीक सा हमने कर दी वा ठीक करी वा हम जमानत भी कौन लेंगे। रैली तक पहले पुलिस वाले इन पर कड़ा ध्यान रख रहे। अगली खबर से हरियाणा के टोहाना है। टोहाना में सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रणबीर सिंह समेत पुलिस वाले ने पकड़ लिया। रणबीर सिंह समेत अमित शाह की रैली का विरोध करने लग रही थी जहाँ तक सीआईए पुलिस ने हिरासत में ली। सिरसा में गृह मंत्री अमित शाह की रैली होने लग रही है उसका ये विरोध करने लग रही थी। रणबीर समेत पुलिस वाले ने नांगली दौड़ते पकड़ लिया और पकड़ की ने फिर सीधे वो उसने थाने में ले गई। रणबीर सिंह ने बताया कि हम कई दिन तक गांव बचाओ देहात बचाओ आंदोलन चलाने लग रहे और इब हम सिरसा में अमित शाह की रैली का विरोध करने जाओ, लेकिन पुलिस ने रास्ते में पकड़ लिया। अगली खबर है दिल्ली। दिन तक सुनते आवा था कि विपरजोय तूफान आ गया, विपरजोय तूफान आ गया। विपरजोय तूफान पाछे दिल्ली के मौसम में थोड़ा सा बदलाव आया है। आड़क गर्मी में लोग कती बढ़ गए थे, इस मौसम में जिसा बदलाव आया लोगों ने भी थोड़ा सा सांस आया है गर्मी से। आड़ लगभग तापमान 40 डिग्री रहता और कम तक कम आ जाता 27 डिग्री तक। लोगों ने भी इस गात फूक दी गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली। मौसम विभाग की माना तो मौसम विभाग ने बताया कि 18-19 तारीख ने बिजली चमकेगी, हल्की फुल्की बारिश भी होगी। 20 और 30 जून तक मी तो आओ को नहीं, लेकिन बादलवाई जरूर रहेगी। और जब बात करा तापमान की तो तापमान ज्यादा से ज्यादा 40 डिग्री जा सके है और कम से कम 28-29 डिग्री तक नीचे आ सके है। फिलहाल मौसम की बात करा तो थोड़ी सी गर्मी तो राहत मिली है और कई जगह 2 बूंद पड़ गई, उमस भी हो रही है कड़ी। अगली खबर है हरियाणा का सोनीपत है। पहलवाना और बृजभूषण के बीच में कई दिन तक ये जो विवाद चल रहा था, इस विवाद के बारे में साक्षी मल्लिक और उसके पति सत्यव्रत कादयान ने बीजेपी नेता बबीता फोगाट और सोनीपत के जिला अध्यक्ष तीर्थ राणा पर बड़े आरोप लगाए। साक्षी मल्लिक और उसके पति सत्यव्रत कादयान के आरोपों पर सोनीपत बीजेपी जिला अध्यक्ष तीर्थ राणा का भी बयान आया है। तीर्थ राणा ने कहा है कि धरना पर बैठे खिलाड़ी देश की शान से उनके न्याय की लड़ाई में पहले भी मैं उनके गिल्ली था और आज भी मैं उनके गिल्ली हूँ। अमित शाह इस मामले में देखने लग रहे हैं जो खिलाड़ी और सरकार के बीच में जो पहले गैप बन गया था, अमित शाह ने वो गैप भर दिया। आरिफ दोनों की बातचीत होने लग रही है, बातचीत हो रही है तो समाधान भी जरूर होगा और हमने पूरी पूरी उम्मीद से खिलाड़ियों ने न्याय मिलेगा। बीजेपी सरकार पहले भी खिलाड़ियों के साथ थी, आज भी उनके साथ है। खिलाड़ियों से मिलने के बारे में उन्होंने कहा कि मैं खिलाड़ियों से कौन मिला, खिलाड़ी मेरे से मिले थे। उनने मेरे मिलकी ने बृजभूषण के बारे में बातचीत करी थी, भी बताया था कि के पूरा मामला के बात थी।
पहलवाना ने बृजभूषण शरण पर यौन शोषण के आरोप लगा रखे हैं। यो पूरा मामला ही न्यायपालिका द्वारा जारी है। न्यायपालिका पर हमने पूरा विश्वास है खिलाड़िया ने न्याय मिलेगा। जिदुन तो पूछा गया कि के खिलाड़िया ने जंतर मंत्र पर बैठने की अनुमति मिलेगी, तो बात में टाल मटोल कर गए। उनने कोई साफ जवाब कौन दिया। उनने कहा कि भी देखा अगर टेम मान दो टेम पर हमने सब क्यों बता देंगे। आगे जी हमने हरिद्वार में खिलाड़िया के जो मेडल पाए जाने की बात थी उसने लेके पूछा, तो उन्होंने कहा कि देखो सबकी भावना थी कि भी खिलाड़ी ऐसा काम नहीं करें। रोज रोज में खिलाड़ी ऐसा काम करने चल पड़े थे, लेकिन सबकी भावना ये थी खिलाड़ी ऐसा काम नहीं करें। उड़े किसी प्रकार की कोई हिंसा कोई लड़ाई झगड़ा वाली बात थी नहीं। अगली खबर आई है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संपर्क से समर्थन अभियान के तहत पूरे भारत वर्ष में 1000 बड़ी बड़ी हस्तियां से मिलन का एक अभियान चला रखा है। और इसी अभियान के साथ में पूरा तामझाम लेके ने जेपी नड्डा चंडीगढ़ में पहुंचे। और चंडीगढ़ पहुंच के ने चंडीगढ़ में एक बड़े व्यवसायी से मिले। कौन था वो बड़ा व्यवसायी हमने बताया दिया, वो था SBS बॉयकॉट ग्रुप ऑफ कंपनीज का फाउंडर संजीव जुनेजा। बीजेपी के अध्यक्ष जुनेजा से मिलन उनके घर ने जा लिए। इस दौरान जेपी नड्डा के साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सोदान सिंह, राज्यसभा सांसद अनिल जैन, प्रदेश अध्यक्ष अरुण सुद, संगठन मंत्री श्रीनिवासन सहित कई बड़े बड़े बीजेपी के नेता थे। इस मौके पर जुनेजा ने जेपी नड्डा से फूल भेंट करके उनका स्वागत किया। व्यवसायी की माता ने और उसकी बहन ने भी उनके कपड़े भेंट करके ने जेपी नड्डा का स्वागत किया। इस मुलाकात के दौरान संजीव जुनेजा ने कहा कि आज पूरे विश्व में सारे बड़े इन्वेस्टर भारत की इकोनॉमी का देखने लग रहे हैं। गेलड़े भी ने मई 2023 की बात बता दूं तो 28,000 करोड़ रुपया का विदेशी निवेश आया है भारत में। और यू अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी की 10 ट्रिलियन GDP का जो सपना है उन्हें साकार करता नजर आवे है। इसके साथ ही आगे उन्होंने कहा कि GST के कारण जो कलेक्शन मिला है जो रुपये आए से इस तो पूरा बाजार कसूता उत्साहित है। इस मौके पर उन्होंने सरकार से मांग करी कि आयुर्वेदिक अस्पताल की जो चिकित्सा है उनका सहयोग करो, उन्हें सब्सिडी दो। प्रधानमंत्री के द्वारा जो प्रयास करे जा रहे हैं वो काफी सराहनीय है और यह बात इन प्रयासों में सहायक सिद्ध होगी। के सच के झूठ देखो खबर कसूत सिर्फ खबर फास्ट पे। न तंज न तकरार लेकिन बड़ा सरदार, सियासत और सिस्टम से सीधा साक्षात्कार। देखिए व्यक्तित्व एसोसिएट डायरेक्टर मनीष कुमार के साथ हर शनिवार शाम 7:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। न हल्ला न बवाल सीधा सवाल बड़ा मुद्दा हर शाम 7:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। घर बैठे कीजिए माता मनसा देवी के दर्शन, माँ की आरती से करें दिन की शुरुआत सीधे माँ के द्वार से लाइव, रोजाना सुबह 6:30 से सिर्फ खबर फास्ट पर। अगली कसूत खबर आई है हरियाणा का सोनीपत। सोनीपत में एक बार फिर एक ठगी का मामला सामने आया है। और ठगी भी साधारण नहीं साइबर ठगी। के बात थी कि ठगा ने होटल रिव्यू करने के नाम पे होटल के मालिक पे 21 लाख रुपए ठगी। पहली तो उन होटल मालिक अपने जाल में फंसाया कि भी थारे होटल का रिव्यू करेंगे और फिर उस होटल मालिक के अकाउंट में 19,000 रुपये गिरे और वो पूरी तरीके से अपने जाल में फंसा लिया। इसके बाद में साजिश करके उन्होंने अलग अलग ढंग से उनके खाते में से 21 लाख रुपये काट लिए। साइबर ठगा ने होटल मालिक ऐसा बावड़ा बना दिया कि आज इसमें इतने गिर दे आज इसमें इतने गिर दे, उसके समझ में एक नहीं आई क्यों होने लग गया है। ये पुलिस ने केस दर्ज करके ने पूरा के मामला है इसकी जांच शुरू कर दी। अगली खबर है हरियाणा के बहादुरगढ़ से। बहादुरगढ़ में किसानों के और प्रशासन के बीच में एक बार फिर तनातनी का माहौल बन गया था, लेकिन वाई है उड़ते कसूत खबर। कसूत खबर केस है किसानों और सरकार के बीच में बातचीत हो गई है
और ईवीएम मामला सुधरने के आसार बन गए। किसानों ने सरकार के खिलाफ ऐसे युग आंदोलन का ऐलान कर दिया, लेकिन इब सरकार ने किसानों की बात सुनी से किसानों ने ऐलान कराया था कि वो ईब नेशनल हाईवे जाम करेंगे और रेल रोकेंगे, लेकिन ईब किसानों ने सरकार से बातचीत करके इन्हें रेल रोकने का प्रोग्राम स्थगित कर दिया है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल किसानों से मिल के आया है, उनसे बातचीत करी है और बातचीत करके इन्हें 20 जून ने किसानों की मुलाकात मुख्यमंत्री मनोहर लाल से करवाने की बात हुई है। इसमें किसान अपनी समस्या और अपनी मांग रख सकेंगे और किसान और मुख्यमंत्री आमिश्यामी बैठ की बात करेंगे। इब आमिश्यामी बातचीत होगी तो मामले का समाधान निकलने के भी पूरे आसार हैं। अगली खबर है हरियाणा के कनीणा से। कनीणा में नेताजी सुभाष क्लब में सर्व समाज ने जिला प्रमुख राकेश कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक करी। बैठक में मुद्दा क्या था, क्यों बैठक करी गई थी कि भाई मेन मुद्दा यो था कि एमएलए और एमपी ने पिल्सन मिले से, लेकिन यह पिल्सन सरपंचा ने पार्षदा ने ब्लॉक समिति के मेम्बरा ने इनने क्यों को नहीं मिलती, इसने लेकिन इस बैठक में चर्चा करी गई। बैठक की अध्यक्षता करी सर्व समाज मंच के अध्यक्ष राधेश्याम गोमला ने। इस मौके पर उन्होंने कहा पिल्सन की मांग ने लेके हम यह बैठक कनीणा के सारे ब्लॉक मेम्बरा के लिए करने लग रहे हैं। उन्होंने बताया कि हम अपनी मांग ने लेके प्रत्येक ब्लॉक में यह बैठक करांगे और बैठक में सारे तक सलाह मशवरा लिया जाएगा कि भी आगे हमने अपनी मांग मनवाण खातर किस तरह के करना है। अगली खबर से सिरसा के डबवाली तक। हरियाणा के डबवाली में नेता अभय सिंह चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सिरसा में अमित शाह की जो रैली होने लग रही है इस पर कड़ा तंज कसा। उन्होंने कहा कि सिरसा में अमित शाह की रैली के 9 साल की उपलब्धि गिनवाने आज ये सिरसा में रैली करने लग रही है और रैली के साथ साथ इन लगा रखी है धारा 144। उनका कहना है कि सरकार खुद 144 धारा का उल्लंघन करने लग रही है। जब जिले में धारा 144 लग रही है तो फिर ये रैली कुकर कर सके।